आज का रात्रि क्लास है 19/11/1967। भक्ति मार्ग में तो जिसको चाहिए, जो किताब चाहिए, पुस्तक चाहिए, वेद चाहिए, तो वो उठा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मार्केट में से उठाएं, चाहे लाइब्रेरी में से उठाएं, और सभी भाषाओं में पढ़ सकते हैं। और गीता भी सभी भाषाओं में है, और सारे ग्रंथ सभी भाषाओं में। सिर्फ उसमें नहीं है, सिंधी में भी है, और शायद उर्दू में भी होगा। तो वो तो जिसको चाहिए सो उठा करके पढ़ ले। मैं वो भक्ति मार्ग के वेद ग्रंथ शास्त्र पढ़े तो सब भाषाओं में है। सिर्फ किसी में नहीं है, बोला ना, सिर्फ उसमें नहीं है, नहीं किसी में है। संस्कृत भाषा में भी तो है ना, तो वो संस्कृत भाषा बनाई है, कहीं दुनिया में कहीं बोली जाती है, कहीं नहीं बोली जाती। समझते हैं कि बहुत ऊंची भाषा है, वो तो क्या कहेंगे, ज्ञान मार्ग की भाषा है या भक्ति मार्ग की भाषा है, क्या कहेंगे, है? कहेंगे भक्ति मार्ग की भाषा है। जब कोई बोलता ही नहीं है तो क्या कहेंगे, मरी हुई भाषा है या जिंदा है दुनिया में, है? मरी हुई। तो जैसे वो भक्ति मार्ग में मरी हुई भाषा है, वैसे ही ये तुम ब्राह्मणों की जो भाषा है ना, वो किसी को समझ में नहीं आती, दुनिया में मरी हुई भाषा है। इस दुनिया में किसी को समझ में नहीं आती, जब तक आकर के 7 दिन का कोर्स न लें, 7 दिन की भट्टी में न बैठे। तो देखा, बताया, सिर्फ उसमें नहीं है, उसमें माने जो ब्राह्मणों की भाषा है उसमें नहीं है, बाकी सब भाषाओं में भक्ति मार्ग के ग्रंथ शास्त्र तो मिलेंगे। तो लोग उठाएं और पढ़ें। यहां तो बाप बैठ करके पढ़ाते हैं। कैसा बाप, दुनिया में जितने बाप हुए हैं उनके मुकाबले कोई वंडरफुल बाप है, या तुरिया बाप कहें, तुरिया बाप है, तुरिया माने उसे जैसा और कोई बाप हो ही नहीं सकता। तो यहां तो वो तुरिया बाप बैठ करके पढ़ाते हैं। कौन, आत्माओं का बाप, उनकी आत्मा की भाषा है, है आत्मा की भाषा, जो आत्मा समझेंगे पहले, कम से कम सुन करके तो समझ तो लेंगे, हाँ हम आत्मा है, भले प्रैक्टिस नहीं है, है
सदाकाल की आत्मिक स्थिति में टिकने की, तो भी माने तो जान तो लें। हाँ, तो वो आत्मिक भाषा बाप बैठ पढ़ाते हैं, और वो है चलती आती है। कौन सी भाषा? दुनिया में जो भी भाषाएं हैं, और संस्कृत में जैसे गीता है, वो भी चलती आ रही है। ये जन्म जन्मांतर वो ही पुस्तकें चले आते हैं, है? हर जन्म में तुम देखते हो, चाहे उर्दू में हो, अरबी में हो, फारसी में हो, अंग्रेजी में हो, जर्मन में हो, वो पुस्तकें चली आ रही है। परंतु ये जो बाप बैठ करके समझाते हैं, है? वो भाषा जन्म जन्मांतर नहीं चलती है। कहां? इस एक ही जन्म में, संगम युग में चलती है। वो है ही इस एक जन्म के लिए। कौन सी भाषा? हाँ, रूहानी भाषा। रूहानी भाषा, रूह की, रूह से रिहान, रूह रिहान करो। क्या उसमें देह की जरूरत ही नहीं? क्यों? क्योंकि रूह तो मन बुद्धि रूपी आत्मा है ना, देह तो दिखाई पड़ेगी। देह के मुख में से आवाज निकलेगी, मुख को शंख कहते हैं ना। तो गीता में लिखा है, जब महाभारत युद्ध हुआ तो सबने अपने अपने शंख बजाए। ओ, समझते हैं कि वो शंख बजाया, स्थूल शंख, वो जो सागर में एक कीड़ा होता है ना, उसका मुख होता है बड़ा बुलंद, तो उसको मुख की हड्डी निकाल लेते हैं। तो वो शंख, अरे उसे शंख की बात हो रही है, ये तो प्रैक्टिकल में मुखरूपी शंख है, जिस शंख को बाप आ करके अपना मीडिया बनाते हैं। तो ये बाप बैठ करके समझाते हैं, वो तो है ही इस एक जन्म के लिए। क्या क्या समझाते हैं? जो भी रूहानी भाषा समझाते हैं, सुनाते हैं, वो इस एक जन्म के लिए, जन्म जन्मांतर वो भाषा चलती नहीं है। इस जन्म में जितना उठाया, किस जन्म में है? कहेंगे संगम, अरे वो संगम नहीं, सतयुग त्रेता का, त्रेता द्वापर का, द्वापर कलयुग का, है? नहीं, ये जो पुरुषोत्तम संगम युग है, कौन सा है? कलयुग और सतयुग के बीच का संगम। तो इस जन्म में जो 100 साल का संगम है ना, और भी धर्मपिताएं जो आए, विधर्मी धर्मपिताएं आए ना, चाहे चंद्रवंशी हो, चाहे इस्लामी हो, बौद्धी हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, उनके सहयोगी धर्मपिताएं, तो वो धर्मपिताएं आकर के अलग अलग जन्मों में अपनी अपनी भाषाएं उनकी चली हैं, तो उनमें सुनाते रहे हैं, उनके ग्रंथ सुनाए जाते रहे। और ये जो रूहानी भाषा बाबा बोलते हैं, शिव बाबा, ये तो इसे एक ही जन्म में जितना उठाया, कौन सा? पुरुषोत्तम संगम है। पुरुषों में, पुरुष माने आत्मा, बताया ना, तो पुरुषों में, आत्माओं में उत्तम से उत्तम पार्ट बजाने वाली कौन कौन सी आत्माएं हैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर, वो जब जानकारी होती है तो उस संगम को कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। तो इस जन्म में जो जिसने जितना उठाया, जितना धारण किया और दूसरों को कराया, इतनी ही उनकी जन्म जन्मांतर की मिल्कियत बन जाती है, प्रॉपर्टी बन जाती है। ऐसे ये भाषा वहां चलेगी दूसरे जन्मों में? 84 के चक्कर में चलेगी? नहीं चलेगी, भले नहीं चलेगी, लेकिन बाप कहते हैं ये जो रतन तुमको, ज्ञान रतन मिलते हैं,
रूहानी भाषा के ये ज्ञान रतन जो है तुम्हारे स्थूल रतन बन जावेंगे। क्या ये तो मानसी सृष्टि चल रही है ना, ये मानसी सृष्टि में मनसा के द्वारा जो शूटिंग हो रही है वो कोई स्थूल चीज थोड़ी है। मन बुद्धि स्थूल है? नहीं, मन बुद्धि भी स्थूल नहीं है, और ये मन बुद्धि के द्वारा जो सृष्टि रची जा रही है वो भी कोई स्थूल चीज थोड़ी है। तो जो तुम्हारा जो ज्ञान है वो गुप्त ज्ञान है, रूहानी ज्ञान, रूह ही समझती है और सुनाने समझाने वाला भी रूह है ना। हाँ, तो इस दुनिया में तो सिर्फ ये 100 साल की बात है, जितना जिसने उठाया उतना उठा ले, फिर उसके बाद तो कभी फिर ये क्या होगा, ये जो रूहानी रतन है मनसा मनसा और बुद्धि के द्वारा जो मानसी सृष्टि बन रही है वो फिर स्थूल सृष्टि बन जाएगी। सतयुग में स्थूल शरीर की सृष्टि होगी या सिर्फ मन का मनसा की सृष्टि होगी? हाँ, स्थूल शरीर से, भले सूक्ष्म ज्ञान इंद्रियों से पैदाइश होगी, स्थूल इंद्रियों से द्वापर से पैदाइश होगी, लेकिन होगी तो स्थूल शरीर के द्वारा ना। तो ये जो तुम्हारी मिल्कियत है रूहानी ज्ञान रतनों की, वो स्थूल ज्ञान रतन बन जावेंगे। स्थूल शरीर के लिए स्थूल ही तो चाहिए ना, क्योंकि ये मिल्कियत है। और वो जो दुनिया में मिल्कियत है, सोना चांदी है, और जो जितने भी मेटल है ना, पहले तो वो ही चलता था, अभी तो कागज के नोट निकल पड़े, वो भी तो मिल्कियत ही हो गई ना। तो ये जो मिल्कियत है ना, बड़े बड़े महल है, माणियां अटारियां, कारखाने कल कारखाने, वो भी मिल्कियत हुई ना। खेती बाड़ी दुकानदारी, ये सब मिल्कियत है उस दुनिया की, स्थूल मिल्कियत। और वो कोई मिल्कियत थोड़े ही है बच्चे, यहाँ संगम युग में वो मिल्कियत है क्या? वो नहीं मिल, कौन सी मिल्कियत है? ये तो रूहानी ज्ञान की रूहानी मिल्कियत है, तो वो नहीं नहीं है। वो तो ऐसे पढ़ना है, वो भी ऐसे जैसे और पढ़ाई पढ़ी जाती है, तो ये रूहानी पढ़ाई भी ऐसे ही पढ़ी जाती है। उस पढ़ाई में भी पैसा कमाया जाता है, मिल्कियत कमाई जाती है ना, ज्यादा ही कमाते हैं। और इसमें भी ज्ञान रतन जो तुम्हारे हैं वो तुम्हारा पैसा है, कमाया जाता है। वो स्थूल रतन और ये सूक्ष्म ज्ञान रतन। क्या ज्ञान रतन को सूक्ष्म कहेंगे या स्थूल कहेंगे? स्थूल ज्ञान धन संपत्ति जो है वो गुरुओं के द्वारा सिखाई जाती है कि तुम ये धंधा करो, धोरी करो, ये ब्राह्मण बनो, ये बड़े बड़े यज्ञ रचो और तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा, ये है और वो है, ये धंधा ब्राह्मणों का है, ये धंधा क्षत्रियों का है, राजा बनो, पूरी राज्य की प्रजा की पूरी मिल्कियत तुम्हारी है, और वैश्यों की खेती करो, जानवर पालो, और ये सब तुम जो कुछ है सो अपने कब्जे में करो, सारी खेती बाड़ी जमीन, और सूत्रों की, अरे तुम सबकी सेवा करो, सेवा से तुमको ढेर सारी मिल्कियत मिलेगी। तो वो तो स्थूल मिल्कियत होगी, और ये कौन सी मिल्कियत? ये तो रूहानी ज्ञान की मिल्कियत है। तो जैसे वो मिल्कियत स्थूल कमाई जाती है, वैसे ही ये ज्ञान रत्नियों की इसकी भी पढ़ाई है, वो पढ़ाई जैसे पढ़ी जाती है भी पढ़ाई पढ़ी जाती है। और उनको जो स्थूल पैसे मिलते हैं, यहाँ भी तुमको सूक्ष्म ज्ञान रतन मिलते हैं कि नहीं? हाँ मिलते। तो सो हरेक जन्म में पैसा मिलते हैं, और जो उस दुनिया में स्थूल पैसा मिलता है, सोना चांदी मिलता है, और यहाँ तो ज्ञान रत्नों का धंधा है।
तो समझो इस समय में कोई साधु संत महात्मा है और वो साधु संत महात्मा का कोई बड़ा मठ मंडलेश्वर बने पड़े है, तो वो कोई बहुत धन छोड़ करके जाते हैं अपने मठ पंथ में छोड़ के जाते हैं ना। अभी देखो दक्षिण भारत में एक मंदिर में कितना धन मिला छोड़ के गए ना, लेकिन वो छोड़ के गए किसी के काम आया, किसी के काम नहीं आया है। और वो अभी भी दबा पड़ा, कुछ सरकार ने निकाला, भ्रष्टाचारी सरकार ने निकाला तो भ्रष्टाचारी को क्या करेंगे, विदेशों में भेज देंगे, स्विस बैंक में डाल देंगे, भारतवासियों को तो कोई फायदा नहीं। तो जो साधु संत महात्मा है जो धन छोड़ करके जाते हैं, ऐसे नहीं है कि फिर जा करके उसी स्थान में जन्म लेंगे, लेंगे उसी मंदिर में उसी मठपंथ में जाके जन्म लेंगे, नहीं लेते हैं, ऐसे तो नहीं है ना। ये जो तुम्हारी नॉलेज है ये तो तुम जहां जा करके जन्म लेंगे, चाहे सतयुग में चाहे त्रेता में स्वर्ग में और चाहे नरक की दुनिया में, द्वैतवादी दैत्यों की दुनिया में, राक्षसी दुनिया में जो दुखदाई राक्षस हैं, इस्लामी आते हैं ना 2500 साल से, हाँ तो उन्होंने हिंसा की या नहीं की, हाँ हिंसा की तो राक्षस हुए ना, हाँ, मुसलमान आए उनके फॉलोअर्स तो उन्होंने हिंसा की, तो जो हिंसा करते हैं वो हिंसा करने वाले दैत्य कहे जाते हैं। क्या दैत्य क्यों कहे जाते हैं है? दिति माने चीरना फाड़ना, अरे जो हिंसा करेंगे वो क्या करेंगे, शेर क्या करता है, चीता क्या करता है, चीड़ फाड़ कर देता है ना है? तो ये हिंसक जो है ये तो फिर जहां उन्होंने अपनी धन संपत्ति इकट्ठी की थी मठ पंथ संप्रदाय में वो तो वहां जन्म नहीं लेते, और तुम तो कोई भी जन्म में जाकर के जन्म लेंगे कोई भी युग में है, तो ये तुम्हारी जो नॉलेज है ना रूहानी नॉलेज है ये तो तुम्हारे तुम्हारे साथ रहेगी, और उसके साथ होने के कारण तुम्हारे अंदर जो इसका जो मूल तंत्र है आत्मिक स्टेज वो कुछ न कुछ कलयुग के अंत तक चलती रहेगी, और जितनी जितनी आत्मिक स्टेज धारण करेंगे योग बल से है, तो बाप से योग लगाएंगे ना, तो बाप तो सदाकाल की आत्मा है कि कभी देह बनता है, देह तो नहीं बनता, तो तुम्हारी जो आत्मिक स्थिति है वो नंबर वार बनती है, कैसे इस नॉलेज से। तो ये तुम्हारी नॉलेज तो ये तो जहां जा करके जन्म लेंगे फिर वहां जा करके वो साथ ही जाएगी, इसकी प्रारब्ध है, और वहां तो धन ही धन होगा तुम्हारे पास, बताया ना ये जो स्थूल है ये जो तुम्हें सूक्ष्म ज्ञान धन ज्ञान रतन मिलते हैं ना, ये वहां जाकर के उतना स्थूल धन का भंडार बन जावेंगे। तो दूसरी तो कोई बात नहीं है ना, यहां तो कोई धनवान के घर जन्म लेगा है, कोई न धनवान के घर में जन्म लेगा, गरीब के घर में जन्म लेगा, तो इस पढ़ाई की और उस पढ़ाई का तो रात दिन का फर्क है। क्या इस पढ़ाई में जो पढ़ाई तुम पढ़ते हो रूहानी पढ़ाई है, इसमें तो तुम जन्म जन्मांतर की प्राप्ति करते हो, और उस पढ़ाई में एक जन्म पढ़ाई पढ़ते हो और उसी जन्म में धन संपत्ति जो कमाई ली सो कमाई ली, कोई जरूरी नहीं कमाई हो भी या न भी हो, हाँ तो वो भी पता नहीं तुम्हारे पास रहे या न, चोर भी तेरे चोर चकार सरकार ले ले भी है, जमीन हिले तो जमीन का जमीन में ही गड़ा रह जाए, कहां का कहां चला जाए, आग लगे आग में सब भस्म हो जाए है? तो देखो
ये तो तुम्हारी कमाई जो है ज्ञान रत्नों की रूहानी कमाई, ये तो न आग जलाएगी और न सरकार ले पाएगी। सरकार ये ले पाएगी? सरकार को तो इस कमाई से कुछ लेना देना नहीं, सरकारी तबकों को कैसे लेना, उनको तो लेना है भ्रष्टाचारी कमाई जो रिश्वत रिश्वत की होती है ना, हाँ वो कमाई, बस वो ही उनकी बड़ी कमाई है। सोचते हैं कि ये जो हमको वेतन मिलता है ना, ये तो बहुत थोड़ा मिलता है, उसके मुकाबले अगर हमें दुनिया में बहुत धनवान बनना है तो कुछ तो खास काम करना पड़ेगा। तो भ्रष्टाचारी दुनिया में भ्रष्टाचारी काम करते हैं, चोरी चकारी करते हैं। हाँ, एक बार चोरी डकैतों ने चोर चुराया वहां जाकर के धनवान के घर में, और एकदम उनका सारा धन लूट के ले आए और बड़े धनवान बन गए। ऐसे होता है। तो ऐसे समझ लो कि उस पढ़ाई में, इस पढ़ाई में रात दिन का फर्क, वो है एक जन्म की क्षण भंगुर पढ़ाई की प्रारब्ध, और ये है जन्म जन्मांतर की तुम्हारी पढ़ाई की प्रारब्ध मिलती रहती है। तो ये भी समझा जाता है ना, वो है भक्ति मार्ग की पढ़ाई। क्या अंधश्रद्धा युक्त जो भक्ति सिखाई जाती है ना विद्वान पंडित आचार्य सन्यासियों के द्वारा, है उस अंधश्रद्धा की कमाई है, ज्ञान मार्ग की कमाई थोड़ी है। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो एक से आता है। कौन से एक से? जो ऊंचते ऊंच भगवंत कहा जाता है उस एक से, सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर से आता है। और तो कोई भी वो रूहानी पढ़ाई, रूह की पढ़ाई नहीं सकता, तो उसको कहेंगे असली ज्ञान की पढ़ाई। बाकी और जो पढ़ाते हैं ना, ज्ञान ध्यान सुनाते हैं ना, वो तो कौन सा ज्ञान सुनाते हैं? हाँ, भक्ति मार्ग का ज्ञान सुनाते हैं, देह की परवरिश का ज्ञान सुनाते हैं, कोई रूह को तो जानते ही नहीं। कोई जानते हैं कि रूह ज्योति बिंदु आत्मा है और मन बुद्धि की शक्ति उस ज्योति बिंदु में भरी हुई है? कोई नहीं जानते। तो उनकी है भक्ति मार्ग की पढ़ाई, तो नहीं तुम्हारी है ज्ञान मार्ग की पढ़ाई। भक्ति मार्ग की पढ़ाई है उतरती कला की पढ़ाई। क्या है? उसकी शूटिंग भी यहां होती है कि नहीं? भक्ति मार्ग की पढ़ाई की नहीं होती है? कौन करते हैं? अरे बताओ जल्दी। अरे कोई करते हैं कि नहीं करते हैं? है? बेसिक वाले भी के करते हैं, पी भी के नहीं करते हैं? वाह भैया, अरे जड़ों में जो बात होगी वो बीज में नहीं होगी। जड़ें कड़वी होंगी तो बीज भी कड़वा होगा। तो बताया कि वो चाहे बेसिक नॉलेज वाले हो, चाहे वो बीज रूप आत्मा एडवांस वाली हो, जब तक पूरी आत्मिक स्टेज नहीं बनती है तब तक क्या है, उनको अपने जन्मों का पूरा ज्ञान है नहीं है। तो क्या है? कहते हम ज्ञान मिल गया, भगवान हमको ज्ञान देता है। ज्ञान देता है तो ज्ञान लिया कि चूहरे की गांठ मिली है? चूहरे को गांठ मिल गई, पंसारी बन के बैठ गया और सबको सुनाने लगा। हाँ, बड़े उमंग उत्साह से, अहंकार से सुनाते हैं। अरे तुम्हारे पास क्या है? हमें भगवान पढ़ाता है। तुमको तो ऐसे लोग पढ़ाते हैं, हैं जो देह की पढ़ाई पढ़ाते हैं। देह आज है कल खत्म हो जाए ऐसे। तो तुम्हारी जो ज्ञान मार्ग की पढ़ाई है वो चढ़ती कला की पढ़ाई है। क्या तुम यहां लगातार इस जन्म में चढ़ते चले जावेंगे, चढ़ते चले जावेंगे कि उतरते हो? चढ़ते चले जावेंगे। तुम्हारा ज्ञान बढ़ता जावेगा कि खलास हो जावेगा? बढ़ता जावेगा। और ज्ञान की प्रारब्ध है, जो योग की पावर है, वो भी तुम्हारी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। अच्छा, कोई पांच मार से नीचे गिरता है, कोई देहधारी में फंस मरता है, पांच मार से नीचे गिरा तो उसका पद तो भ्रष्ट हो गया ना, अभी तक ये किया हुआ प्रसाद। लेकिन क्या जो अभ्यास किया है याद का, वो खत्म हो गया? याद का अभ्यास तो रहा ना,
तो वो याद का अभ्यास जो है वो चढ़ती कला हुई या उतरती कला हुई? चढ़ती कला हुई। तो बताया तो उनकी है जो वो जो दुनिया भी पढ़ाई है उनका है उतरती मार्ग, भक्ति मार्ग की पढ़ाई। उतरते जाते हैं, उतरते जाते हैं, जन्म वही जन्म नीच जन्म लेते जाते हैं, है? मेंटेलिटी आत्मा की गिरती जाती है कि ऊंची मेंटेलिटी बनती है नीची। क्या करते हैं ऊंची नीची मेंटेलिटी? दुनिया का विनाश करो, है? अपना फायदा करो, अपनी देह का फायदा करो, अपनी देह के संबंधियों का फायदा करो, बाकी सारी दुनिया मिट्टी में मिल जाए। क्या जो उनमें भी जो देह का संबंधी हमारे से बिल्कुल चिपका रहता है ओसा का तो सबसे जास्ती कल्याण होना चाहिए, उसको बहुत प्यार है, फिर उसमें भी फेद कर देंगे। क्या अपने शरीर से जितना प्यार करेंगे उतना उस देहधारी से भी प्यार करेंगे? नहीं करेंगे। सबसे जास्ती प्यार होता है अपनी देह से, उसके बाद प्यार होता है पति से या पिता से। तो बताया वो सब है उतरती कला में जाने वाले है? तो क्या उतरती कला जाता है? उतरती कला में सुख उतरती कला में जाता है कि सुख बढ़ता जाता है? सुख उतरता जाता है और तुम्हारा सुख बढ़ता जाता है। हाँ क्या कैसे? तुम्हारा जो मन है ना वो मन की खुशी तुमको मिलती है, मन बुद्धि की जो बुद्धि का जो प्राप्ति है वो तो बुद्धि का ज्ञान समझ, बुद्धि माने समझ, समझ तो ज्ञान की समझ जो है वो बुद्धि ग्रहण करती है ना। और मन क्या करता है? मन जो है उस ज्ञान के अनुसार संकल्प करता है। ज्ञान सही बुद्धि में बैठा है, ईश्वर का ज्ञान, उसमें मिक्सरिटी देहधारियों के ज्ञान की नहीं हुई है, तो मन जो है विकल्प करेगा के सुकल्प करेगा, सुंदर संकल्प करेगा या विपरीत संकल्प करेगा, दुख देने के। हाँ सुंदर संकल्प करेगा। तो तुम्हारी है चढ़ती कला की पढ़ाई और ये एक ही जन्म में चढ़ती कला होती है, है? उनकी तो फिर पढ़ाई है जन्म जन्मांतर पढ़ते रहो। स्वर्ग में भी पढ़ाई पढ़ते हैं कि नहीं? वहां भी पढ़ाई तो पढ़ते हैं, नरक में तो बहुत लंबी चौड़ी पढ़ाई। आजकल स्कूल में बच्चों को देखो, कक्षा एक दो के बच्चे उनकी पीठ पे एकदम बोरा लदा हुआ किताबों का, कापियों का, पेंसिल का। तो देखो उन्हें कहो तो कितना बोझ है। जो स्टूडेंट होते हैं ना, जब जाते हैं ना एग्जाम देने, हाँ तो उनके दिमाग में कितना बोझ पड़ता होगा उन मोटी मोटी किताबों का, ग्रंथों का, पोथन्नों का। और तुम्हारा तो कोई पोथन्ना नहीं है। इस ज्ञान में कोई पोथन्ना बनता है? अगर पोथन्ना बनाने वाले बनाते भी हैं मोटे ताजे, तो वो भक्ति मार्ग हुआ या ज्ञान मार्ग हुआ? काय की शूटिंग कर रहे हैं? वो भी भक्ति मार्ग की शूटिंग करने वाले गुरु घंटाल बनने वाले हैं, समझ लो। क्या जो इतनी मोटी मोटी पुस्तकें बनाते हैं, छपाते हैं, बाबा तो कहते हैं छोटी छोटी किताबें बनाओ, क्या बुकलेट से बनाओ। अरे गीता भी तुम्हें बनानी है तो कैसी बनाओ? छोटी सी पॉकेट गीता बनाओ। तो इसमें होगी तुम्हारी चढ़ती कला की पढ़ाई, कोई वजन नहीं दिमाग के ऊपर। तो ये जितना पढ़ेंगे हैं, इतना कहेंगे कि थोड़ा ही है, क्या ये रूहानी पढ़ाई जितना पढ़ते जाओ, जितना पढ़ते जाओ, सारे दुनिया के धंधे धोरी छोड़ दो, सिर्फ इसी ही पढ़ाई में लग जाओ, तन से धन से मन से पूरा टाइम समय लगा करके, और संपर्कियों की ताकत लगा, संबंधियों की भी जितनी ताकत लग सके वो सारी ताकत लगा के इसी पढ़ाई में झोंक दो, तो भी ये पढ़ाई पूरी हो जाएगी? जितना पढ़ेंगे उतना थोड़ा ही कहेंगे, क्योंकि पढ़ाई तो फुल पढ़नी है ना। हाँ तो जितना जो पढ़ते हैं कहेंगे वो थोड़ा ही अभी तक पढ़े,
कि पूरी पढ़ाई कोई पढ़ा है? अभी तक कोई को नहीं कहेंगे, 80 साल हो गए, कोई नहीं कह सकता है कि हमने रूहानी पढ़ाई रूह की है 84 के चक्कर की, कि 84 जन्म में हमको कितने कितने जन्म कैसे कैसे कहां कहां किसके किसके साथ लेने हैं, वो कुछ बुद्धि में आया है? किसी ने वो पढ़ाई अभी तक पढ़ नहीं पाई। तो थोड़ी कहेंगे कि ज्यादा कहेंगे, कैसी पढ़ी? थोड़ी पढ़ाई, क्योंकि बाबा पढ़ाते रहते हैं ना, है बाबा जो है वो जास्ती पढ़ाते हैं या थोड़ा पढ़ाते हैं? बाबा तो बहुत पढ़ाते रहते हैं, जास्ती पढ़ाते हैं और जास्ती समझाते हैं, हाँ सुनाते भी हैं समझाते भी हैं। और हम इसलिए पढ़ाते हैं कि हम जास्ती पढ़ते रहें, जास्ती समझते रहें, सुनते रहें। शुरुआत में तो जो पढ़ते थे उसके मुकाबले तो अभी हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, नहीं? हाँ, पहले जो बेसिक पढ़ाई पढ़ते थे उस समय तो बहुत थोड़ी पढ़ाई थी। क्या? हम है आत्मा, तुम हो आत्मा, हम बिंदी, तुम बिंदी आत्मा है, और हम बिंदी आत्मा का बाप ज्योति बिंदु शिव परमात्मा, शिव परम पिता, हाँ वो परमात्मा, क्योंकि वो तो परम पिता परमात्मा को एक ही समझ लेते हैं। अब एक है तो नाम अलग अलग क्यों? नाम अलग अलग हैं तो दो होंगे ना, जैसे कहते हैं शिव शंकर, तो भक्ति मार्ग में क्या समझ रहे हैं? शिव शंकर एक ही है। तो ऐसे ही वो जो ज्ञान मार्ग की शूटिंग करने वाले हैं, वो ज्ञान मार्ग में दुनिया की शूटिंग करने वाले हैं ना, बेसिक पढ़ाई वाले, वो भी क्या है? परम पिता परमात्मा एक ही है या अलग अलग है? वो समझते हैं एक ही। यहाँ तो तुम बच्चों ने जान लिया, क्या तुम बच्चों में भी नंबर वन? सबने थोड़े ही जाना कि परम पिता परमात्मा एक है या अलग अलग है, पार्ट बजाने वाली आत्मा। तुमने जान लिया कि परम पिता सुप्रीम सोल हैविनली गॉड फादर जो हैविन बनाने का रास्ता बताते हैं वो एक आत्मा है, और दूसरी आत्मा वो जिसके तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं और उसे आप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाकर जाते हैं। तो देखो दिन प्रतिदिन तुम जास्ती पढ़ाई पढ़ते जा रहे, पहले जो पढ़ते थे उससे अभी जास्ती पढ़ते हैं, और अभी जो पढ़ते हैं उससे आगे और जास्ती पढ़ते हैं। जैसे उस अज्ञान काल में पढ़ाई पढ़ाई जाती है, पढ़ाई होती है ना वहां, तो पहले छोटी छोटी पढ़ाई पढ़ाई जाती थी। क्या है? छोटा बच्चा कोई आता था स्कूल तो पेंसिल हाथ में दे देते थे, सिलेट दे रहे लाइने खींचो, बस इतनी तो वही पढ़ाई, बस लाइने खींचते आगी बेड़ी खीड़ी ठाड़ी, बस यही पढ़ाई होगी। घर में जाके बच्चे दिखाते, मम्मी पापा हम केजी में भर्ती हो गए, हमने ये पढ़ाई पढ़ी। फिर कक्षा एक में जाते हैं दो में जाते हैं तो फिर उनको ए बी सी डी आई ई का कु सिखाया जाता है ना, तो और ज्यादा पढ़ जाते हैं। तो वो छोटी छोटी पढ़ाई कहेंगे बेसिक नॉलेज। हाँ, पीछे जाकर के जब बड़ी पढ़ाई पढ़ते हैं तो उसको कहा जाता है बड़ा ऑफिसर बनने वाली पढ़ाई। क्या? पहले होती थी आईसीएस। क्या? हाँ, आईसीएस की पढ़ाई होती थी, पढ़ते थे तो उसमें कमाई जास्ती हो जाती है, क्योंकि ऊंची पढ़ाई पढ़ेंगे तो ऊंचा एग्जाम होंगे, और उस ऊंचे एग्जाम में सब थोड़ी पास होंगे, जो पास होंगे हाँ फिर उनमें से सिलेक्शन होगा, ज्यादा होशियार होंगे तो फिर वो बड़े ऑफिसर बनाए दिए जाए, पहले छोटे ऑफिसर फिर उनको ले आकर देख करके उनको बड़ा ऑफिसर भी बनाया जाता है। तो उसमें जब कमाई जास्ती है उनको ज्यादा तनख्वाह मिलती है कि नहीं? हाँ, उसमें कमाई कम है और उसमें कमाई जास्ती, परंतु छोटी पढ़ाई पढ़ेंगे बेसिक नॉलेज तो कमाई कम, और बड़ाई पढ़ाई पढ़ेंगे हाँ हायर क्लास की पढ़ाई हाईएस्ट पढ़ाई पढ़ेंगे तो उसमें ऊंचे अधिकारी बनते हैं।
तो बताया कि जैसी पढ़ाई, कम पढ़ाई तो कम प्राप्ति, और ज्यादा पढ़ाई तो जास्ती पढ़ाई। परंतु वो है अल्पकाल की क्षण भंगुर। एक तो एक ही जन्म की है, एक जन्म जब तक रहेगा इस शरीर से तब तक वो पढ़ाई काम आएगी, फिर शरीर छोड़ा और पढ़ाई खत्म, फिर नए जन्म में नए सिरे से वो या आई यू पढ़ना शुरू करो ABCD। तो वो है अल्पकाल क्षण भंगुर की पढ़ाई है। अल्पकाल क्षण भंगुर के लिए भी क्यों कहा जाता है? है ऐसे बहुत हैं बच्चे जो पास तो कर लेते हैं पढ़ाई, जैसे भी पास कर लेते हैं, मीडियम पढ़ाई पास कर लेते हैं, इंटरमीडिएट हाई स्कूल हायर क्लास की पढ़ाई भी पास कर लेते हैं, पढ़ करके छोड़ देते हैं, MLA कर क्या LLB करते हैं, क्या जरूरी है कि वो वकील बन ही जाते हैं, जज बन जाते हैं? नहीं, छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत से हैं जो MBBS डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ते हैं तो क्या उनको नौकरी मिल जाती है? नहीं, पर दुकान खोलते हैं 50-100-150 रुपया भी आज की दुनिया में नहीं कमा पाते, उससे पेट भरता है आदमी का, परिवार तो पलेगा नहीं, तो फिर वो धंधा छोड़ देते हैं। वो धंधा छोड़ करके वो दुनिया में जो ब्लैकमेल के धंधे करते हैं ना, उसमें तो खूब पढ़ाई होती है, चोर डकैतों को तो वो पढ़ाई करना, वो धंधा करना शुरू कर देते। तो ऐसे बहुत है बच्चे जो पढ़ाई पढ़ करके पास करके और फिर वो धंधा नहीं करते, वो छोड़ ही देते पीछे। वो क्या कहेंगे, वो जो पढ़ाई पढ़ी कमाई करने के लिए, वो पढ़ाई कहां गई? अरे क्योंकि उनके ऊपर भरोसा नहीं है ना बच्ची, वो जो दुनिया में पढ़ाई पढ़ाई जाती है उसके ऊपर किसी को पक्का भरोसा नहीं है कि पढ़ाई पढ़ने के बाद भी है ऊंचे अधिकारी बन ही जाएंगे, गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं चलो प्राइवेट में भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं। तो भरोसा नहीं, क्योंकि वो है विनाशी कमाई। एक तो इसी जन्म में भी विनाशी और इस जन्म में भी कोई आशा नहीं है कि वो पढ़ाई जो पढ़ी है उससे पूरी प्राप्ति कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और ये जो तुम्हारी रूहानी पढ़ाई है ये तो अविनाशी पढ़ाई है, इसका विनाश तो कभी होता ही नहीं है। इसे ज्ञान यज्ञ का नाम क्या है? अविनाशी है अश्वमेध है कौन सा रुद्र ज्ञान यज्ञ। अविनाशी माने इस ज्ञान यज्ञ का कभी विनाश नहीं। कोई कहे अरे क्यों नहीं विनाश होता, 100 साल के लिए वो रुद्र आकर के पढ़ाता है फिर ये पढ़ाई थोड़ी रहेगी। अरे भाई पढ़ाई नहीं रहेगी, लेकिन पढ़ाई की प्रारब्ध तो जन्म जन्मांतर चलेगी कि नहीं चलेगी। तो ये अविनाशी कमाई है, इसका कभी विनाश नहीं होता। तो जितना ये पढ़ाई पढ़ेंगे रूहानी पढ़ाई, इतना तुमको जन्म जन्मांतर ऊंचा अविनाशी पद मिलेगा। यानी स्वर्ग लोक में अमर लोक में वहां तो ऊंच पद मिलेगा ही मिलेगा, और वो 21 जन्म के लिए नंबर बार मिलता है, जैसा पढ़ाई वैसा पद मिलता है। और फिर 21 जन्म के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब वैसा ही बन जाता है। क्या बनता है कि नहीं? कैसे? जैसे सतयुग के आदि में जो सतयुग की पहली पीढ़ी का राजा बनेगा, महाराजा नारायण बनेगा, वो द्वापर युग के आदि में बड़ा महाराजा बनता है कि नहीं बनता है? कौन सा महाराजा बनता है? अरे एक अक्षर लिखो जल्दी से, है विक्रमादित्य है, दुनिया का बड़े ते बड़ा महाराजा बनता है, उससे बड़ा महाराजा कोई और होता है? तो देखो स्वर्ग में पहले जन्म में बड़ा तो द्वापर के पहले जन्म में बड़ा, द्वैतवादी द्वापर युग हुआ ना,
दो दो भाषाएं, दो दो राज्य, दो दो धर्म, दो दो धर्म पिता, दो से चार, चार से आठ, बढ़ते जाते, द्वैतवाद बढ़ता है ना। द्वैतवाद बढ़ेगा तो आपस में झगड़ा, झगड़े की दुनिया हुई या प्यार की दुनिया हुई? नहीं, झगड़ा। तो उस द्वैतवादी दुनिया में भी तुम ऊंच पद पाते हो। स्वर्ग के 21 जन्मों के हिसाब से ही वहां बनता है तुम्हारा हिसाब किताब। ऊंच पद पाते हो, मिलेगा ना? हाँ मिलेगा। तो उस भक्ति मार्ग के शास्त्रों में, उस दुनिया की पढ़ाई में और इस पढ़ाई में जो तुम्हारी रूहानी पढ़ाई है, जो रूहों का बाप आकर के पढ़ाते हैं, शिव सुप्रीम सोल, क्योंकि तीन प्रकार की पढ़ाई है ये। क्या? गीता में भी उसका जिक्र किया है, त्रय विद्या, सोम पापो तपापा। तीन प्रकार की विद्या है। कौन कौन सी तीन प्रकार की विद्या? सबसे ऊंचे की ऊंची विद्या है ब्राह्मणों की विद्या। वो गीता में भी लिखा हुआ है ना कि जब भगवान आते हैं तो क्या करते हैं, चातुर्वण्यम मया सृष्टम गुण कर्म स्वभाव विभाग से। जब भगवान आते हैं तो हरेक आत्मा की पढ़ाई के अनुसार जैसे गुण धारण किए हैं, जैसा स्वभाव अच्छा या बुरा धारण किया है, अच्छा स्वभाव धारण किया है तो देवता बनता है, बुरा स्वभाव धारण किया है तो राक्षस बनेगा। अभी राक्षस राक्षसियों के चेहरे तैयार हो रहे हैं ना। तो वो बताया कि ये जो तीन प्रकार की पढ़ाई है, ऊंच से ऊंच पढ़ाई है ब्राह्मणों की। क्या? कौन से ब्राह्मणों की? वो ब्राह्मण जो पुरुषोत्तम संगम युग में ऊंचते ऊंच ब्राह्मण बनते हैं। नहीं तो नौ प्रकार के ब्राह्मण बनते हैं, है? जो भक्ति मार्ग में भी दिखाते हैं, नौ कुरियों के ब्राह्मण। नौ कुरियों के ब्राह्मण क्यों कहे? क्योंकि जो नौ कुरियों के यहां ब्राह्मण बनते हैं, है? ऊंचते ऊंच ब्राह्मण कोई तो बने होंगे नौ प्रकार के। तो वो नौ प्रकार के ब्राह्मण जो है वो नवग्रह के रूप में आज भी, हाँ, भक्ति मार्ग के टंटे घंटे करते हैं ना, तो उसमें पूजे, शादी करें, ब्याह करें, यज्ञ पवित्र करें, कुछ भी कर्म कांड करते हैं तो उनकी पूजा करते हैं। है कहाँ की यादगार? यहाँ संगम युग की यादगार। तो वो तो समझ लेते हैं, वो आकाश के जो सितारे हैं ना, ग्रह नवग्रह वो है। अरे भाई, वो तो जड़ ग्रह है, है? इस धरती के सितारे तो तुम बच्चे चैतन्य ग्रह उपग्रह और सितारे हो। तो तुम जो सितारे हो उनमें नौ ग्रह वो भी हैं चैतन्य। कौन से नौ ग्रह? जो ऊंचते ऊंच पद पाते हैं। लेकिन हैं नंबर वार क्या यहां भी ऊंचते ऊंच पद पाने वाले, और वहां सतयुग में भी कोई एक नारायण थोड़े ही होगा। सतयुग के सभी जन्म, सतयुग में पीढ़ियां चलेंगी, जन्म चलेंगे, जन्म भाई जन्म चलेंगे कि खत्म हो जाएं? कहते हैं सतयुग लाखों वर्ष का। अरे लाखों वर्ष तो कोई एक ही जन्म आदमी, एक ही आदमी, एक ही व्यक्ति जो है वो लाखों वर्ष जिंदा रह सकता है क्या? ऐसे तो होता नहीं। अरे वहां भी तो वो जो जन्म होते हैं ना, मनुष्य के जन्म ऐसे ही होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 100-150 वर्ष की एवरेज आयु है। हाँ ये है कि नया युग है, नई दुनिया है तो ज्यादा आयु है, और मध्यम युग है तो थोड़ी आयु कम हो जाएगी, 100 साल है। और फिर एकदम नीचा युग कलयुग आ गया तो आत्माएं सुख भोगते भोगते घिस गई, नहीं, हाँ, आत्मा की शक्ति छीण हो गई, तो फिर शरीर भी कैसा मिलेगा? कम आयु वाला मिलेगा या लंबी आयु वाला मिलेगा? छोटी आयु वाला। हाँ ये है कि जो नई नई आत्माएं उतरती हैं, है, लास्ट वाले धर्मों की, उनकी आयु ज्यादा होती है। जैसे रशिया में है, कहते थे ना कि रशिया में ऐसे ऐसे हैं जिनकी 100-125 साल एज ही होती है। हाँ तो इतनी होती है क्योंकि नई आत्माएं। तो ऐसे ही है यहाँ जो बाप आकर के तुमको पढ़ाई पढ़ाते हैं, वो तीन प्रकार की विद्या पढ़ाते हैं। सबसे ऊंचे से ऊंची विद्या है ब्राह्मणों की विद्या, और ब्राह्मणों की विद्या भी जो नंबर वार ब्राह्मण बनते हैं ऊंचे से ऊंचे, वो यहाँ भी ऊंचे से ऊंचे
और वहां भी सतयुग में भी ऊंचते ऊंच क्या बनते हैं, है? ऊंचते ऊंच नंबरवार नौ नारायण बनते हैं, जिनको भक्ति मार्ग में कहते हैं नवनाथ द्वारे। जैसे श्रीनाथ द्वारा, जगन्नाथ द्वारा, ऐसे नाम दिए हैं ना, नंबरवार है। कोई विश्व के मालिक, कोई विश्व के मालिक नहीं है, श्रेष्ठ आत्माओं के मालिक है। श्रेष्ठ नाथ, श्रीनाथ, श्रेष्ठ तो देवताओं को कहा जाता है। देवताएं थोड़े होंगे, ज्यादा होंगे, थोड़े गुण के मालिक। तो बताया कि ऊंचते ऊंच विद्या है ब्राह्मणों की विद्या। उसके बाद, उसके बाद कहेंगे है वो जो देवता बनते हैं, क्या ब्राह्मणों में ऊंचते ऊंच नहीं बनते हैं ब्राह्मण? जैसे शंकर जी को दिखाते हैं, उनके गणों को दिखाते हैं। शंकर जी ब्राह्मण है कि नहीं? उनको चोटी है कि नहीं? उनको जनेऊ यज्ञोपवीत पड़ा है कि नहीं? हाँ, तो ब्राह्मण हुए ना। यज्ञोपवीत ब्राह्मण पहनते हैं, चोटी किन को होती? ब्राह्मणों को चोटी होती। तो ऐसे ही उनके जो फॉलोअर्स भी है ना, जो वो भी यज्ञोपवीत धारण करने वाले ब्राह्मण है सब। तो बताया ये ऊंचते ऊंचे कैटेगरी के ब्राह्मण हुए। कौन से? जिनको भक्ति मार्ग में दिखाते हैं। कहां रहते हैं? कैलाश पर्वत पर, बहुत ऊंची चोटी पर रहते हैं। अच्छा, वो कोई कैलाश पर्वत पर रहने की बात नहीं है, ऊंची स्टेज का पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, रहती तो इसी दुनिया में, कोई पहाड़ों पर नहीं रहने की बात है, है? वो यहां ही इस दुनिया में ऊंचे ऊंचे पार्ट बजाती है, राजाओं का पार्ट बजाएंगी, राजाओं को भी चलाने वाले ऋषि मुनियों का पार्ट बजाएंगी। देखो वो राजा था ना चंद्रगुप्त, तो वो बड़ा था कि उसको चलाने वाला गुरु चाणक्य बड़ा था? कौन बड़ा था, किसको कहेंगे? चाणक्य बड़ा था ना। हाँ, उसको उसको चलाता रहता था। हाँ, तो बताया इधर चलो उधर चलो, ऐसे जाओ ऐसे जाओ, वैसे करो ऐसे करो, तो वो डायरेक्टर हो गया ना बड़ा। हाँ, तो बताया दूसरी पढ़ाई वो है जो ब्राह्मण तो पक्के नहीं बन पाते हैं, फर्स्ट क्लास ब्राह्मण सूर्यवंशी नहीं बनते हैं, लेकिन चंद्रवंशी ब्राह्मण बन जाते हैं, है? और वो सतयुग में जाके जन्म लेते हैं। सतयुग में जाके जन्म लेंगे, हाँ, देवता बनेंगे, लेकिन वो विष्णु कुल में अपने शरीर लेकर के वैष्णव वंशी, वो विष्णु वंश की वो जो ऊंचे ते ऊंची कुरी है उसके देवता नहीं बन सके। और जो सतयुग में देवता बनते हैं वो फिर त्रेता में जाकर के लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो चंद्रवंश में गए कि नहीं? हाँ, तो वो उतरती कला के हुए। उनको क्या कहेंगे, उतरती कला वाले या चढ़ती कला वाले? उतरती कला। और तुम बच्चे जो हो वो तो लगातार चढ़ती कला वाले ब्राह्मण हो, ऊंचे ते ऊंच ब्राह्मण, सूर्यवंशी ब्राह्मण बनने वाले। हाँ, सूर्य जब उगता है तो ऊपर चढ़ता है कि नीचे गिरता है? उगेगा तो एकदम ऊपर चढ़ेगा। कब तक ऊपर चढ़ेगा? हाँ, जब तक खूब तपने न लगे। हाँ, इतनी तपत बढ़ जाए कि उसकी तपत में कोई ठहर न सके। ठहरता कोई नहीं, अब भाई पेड़ के नीचे चले जाओ, मकान में घुस जाओ, ऐसे ही करते हैं ना। हाँ, छाता लगा लो तो ऐसे छाया। तो सूर्यवंशी तुम बच्चे हो, चढ़ते हो तो चढ़ते चले जाते हो, चढ़ते चले जाते हो। तो ये तुम सूर्यवंशी बच्चे हुए, ऊंचते ऊंच। दूसरे हुए जो सूर्यवंशी तो नहीं बनते हैं देवताएं, लेकिन विष्णु कुल के न बनने के कारण फिर सोलह कला संपूर्ण, हा, इंद्रियों का सुख भोगने वाले देवता बनते हैं। तो वो हैं उतरती कला के, यहां भी उतरती कला में रहते हैं पुरुषार्थी जीवन में, और वहां भी उस दुनिया में भी उतरती कला में जाएंगे। तो तीन, दो प्रकार के हुए ना ये, और तीसरे प्रकार के वो जो न फर्स्ट क्लास सूर्यवंशी बनते हैं न चंद्रवंशी ब्राह्मण बनते हैं। क्या चंद्रवंशी ब्राह्मण भी नहीं बन पाते पूरे?
क्या बनते हैं? वो बस इस्लाम वंश में जाकर के कन्वर्ट होने वाली ब्राह्मण आत्माएं बन जाती है, तीसरी थर्ड क्लास कुरी के ब्राह्मण बनते हैं। फिर उसके बाद फोर्थ क्लास, अरे फोर्थ क्लास कुरी के ब्राह्मण कौन? बौद्धि धर्म के। फिर उसके बाद तीसरे क्रिश्चियन धर्म के, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाले वो ब्राह्मण जो देवता तो बनते हैं उतरती कला के, क्षत्रिय तो बनते हैं त्रेता में, लेकिन फिर द्वापर में जाकर के हाँ जब क्राइस्ट आता है ना तो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो। फिर ऐसे ऐसे नंबरवार बनते रहते हैं, नौ कुरी के ब्राह्मण, नौ प्रकार के देवता, सो नौ प्रकार के क्षत्रिय, सो नौ प्रकार के हाँ उनमें से जो ऊंचते ऊंचे हैं सूर्यवंशी, वो तो बस एक ही धर्म में पक्के रहते हैं। झाड़ में दिखाया ना, झाड़ में जो तना है ना वो सीधा ऊपर जाता है कि इधर उधर झुकता है? सीधा ऊपर जाता है, बाकी जो हैं वो इधर उधर झुक जाते हैं। चंद्रवंशी कहीं तो झुक जाएंगे दाईं ओर की डालियों की तरफ, कहीं झुक जाएंगे बाईं ओर की डालियों की तरफ, और झुकते पुकते ऐसे चलते रहे। तो बताया हाँ ये जरूर है कि जो पक्के चंद्रवंशी हैं वो दाईं ओर की भारतीय डालियों को प्रेफरेंस देते हैं, और जो कच्चे चंद्रवंशी हैं थर्ड क्लास धर्मों में जाके गिरते हैं, वो अगर कोई भी धर्म मिल जाए, जो धर्म आया बस उसी को स्वीकार कर लेंगे। जैसे आर्य समाजी है, वो आर्य समाज धर्म में कन्वर्ट होने वाली जो आत्मा है, अरे देवता तो बनती है, क्या देवता बनेंगी त्रेता में, क्षत्रिय भी बनेंगी है, लेकिन द्वापर युग में जाएंगी तो इस्लाम धर्म में जाएंगी तो, लेकिन जब बुद्ध धर्म आएगा तो फटाक से बुद्ध धर्म में चली जाए। जैसे आज के नेताएं होते हैं ना, कैसे अवसरवादी, जहां उन्हें अवसर मिला फौरन जाके ये पार्टी ऊंची जा रही है बस है, वो पहले वाले को धोखा दे देंगे है? और दूसरे में घुस पड़े, फिर बाद में देखेंगे कि अरे ये बौद्ध धर्म भी इनकी राजाई थोड़े समय चलती है खत्म हो गई है, ये भी भीख मांगने लग पड़े दूसरे धर्म वालों से, तो उसे भी छोड़ देंगे। फिर किस क्राइस्ट आता है, क्रिश्चियन धर्म में गड़बड़। तो ऐसे जो जो नया धर्म आता है वो अपने धर्म को परिवर्तित करते, धर्म के पक्के उन्हें धर्म से कुछ भी लेना देना जैसे है ही नहीं, काय से लेना देना है, उन्हें तो अपनी मस्ती से मतलब, जहां देखी तबावरा वहीं बिताई सारी। अरे भाई क्या कहा, जहां देखी तबावरा वहीं बिताई सारी रात, तो ऐसे करते वो है आर्य समाज, इसलिए उनको किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं धर्म निरपेक्ष राज्य, हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं है, तुम कोई भी धर्म को मानो, बंगियों के धर्म को अपना लो, बंगी बन जाओ, चमार बन जाओ है, चांडाल बन जाओ, तुम हमको वोट देते रहो, बस वोट चाहिए। और वोट लेने में अगर तुम एक्सपर्ट बन जाओ तो तुम हमारी तरह ऊंचे ऊंचे मंत्री बन जाओ, ऊंचे ऑफिसर बन जाओ, ये भी कर सकते हो। ये नहीं समझते कि भगवान ने आकर के जो राजयोग सिखाया था गीता ज्ञान के द्वारा, तो वो राजयोग सीखने वाली जो आत्माएं हैं वो जन्म जन्मांतर राजाएं बनती हैं, और उनका राज्य जो है हाँ बहुत सुख देने वाला होता है। प्रजातंत्र सरकार में तो दुख दू कैसा होगा, दुख दूना दिन दुनिया रात चौगुना बढ़ता जाएगा, क्या जैसे भारत में अभी भारत की प्रजा से पूछा जाए, अंग्रेजों का राज्य अच्छा था, अच्छा शासन चलता था, कड़क शासन था है, नीति नियम कानून है अच्छे थे, कड़क थे, चोर गुंडे डकैतों के लिए पावरफुल थे, या आज के हिजड़ों की जैसी सरकार है, कोई कंट्रोल नहीं, कुछ भी कोई करता रहे बस कुछ मतलब नहीं, उन्हें तो क्या मतलब है, बस पैसा कमाए जाओ,
पैसा बढ़ाए जाओ, चाहे चोरी डकैती रिश्वत खोरी कुछ भी करना पड़े, चाहे बड़े से बड़े ऑफिसर हो, क्या तुम सुप्रीम कोर्ट के बड़े से बड़े कौन बन जाओ, क्या जज, क्या चीफ, चीफ क्या मिनिस्टर, चीफ, चीफ जस्टिस, हाँ चीफ जस्टिस बन जाओ। जहां देखेंगे पैसा ज्यादा मिल रहा है इस कंपनी में, तो उस कंपनी को भ्रष्ट कर देंगे। ऑल इंडिया में अच्छा सा अच्छा पार्ट बजाने वाली कंपनी हो, गोल्डन फॉरेस्ट कंपनी, और वर्षों से उन्होंने अपने हर कस्टमर को सबसे दुनिया में जितना ज्यादा कोई परसेंटेज नहीं दे सकता है कमाई, वो कमाई दी हो। वर्ष भर देख लो उनका रिकॉर्ड, जितना उन्होंने कमाई करके दी है उस कंपनी से, उतना कोई कई कंपनी इतनी कमाई करके नहीं दे पाई। और उसी कंपनी को वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया, और तब से लेकर के 98, 99, 2000 से लेकर के अभी 18-20 साल हो गए, एक पैसा रिटर्न में नहीं दिया। सारी जो पब्लिक की प्रॉपर्टी थी कंपनी में, वो सब जब्त करके बैठे हुए। पैसा दिया? हाँ, नहीं दिया। और ब्याज तो ब्याज, कमाई तो कमाई कराना, जितना मूलधन है ना उसमें से भी परसेंटेज काट के दे रहे हैं भाई। 70% मिलेगा क्या? ज्यादा नहीं मिलेगा अभी, फिर बाद में देखा जाएगा। अभी तो हम 70% मतलब उसमें भी कटौती, वो भी वो मूलधन 98 का मूलधन, 98 का जो 100 रुपए की नोट है आज उसकी क्या कीमत रह गई? 98 में 100 रुपए में कितना माल मिलता था, और आज 100 रुपए में कितना माल मिल रहा है? सारी कीमत डाउन हो गई है, और डाउन हुई कीमत में भी 70% दे रहे, बताओ ये है भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट। तो बताया कि ये जो पढ़ाई बात आ करके पढ़ाते हैं, वो तो उन शास्त्रों की पढ़ाई से, दुनिया की पढ़ाई से, और जो दुनिया में पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, जैसे भारत में मैकाले सिस्टम की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, उसके मुकाबले तो बहुत अच्छी पढ़ाई है। हाँ, और जो तुम पढ़ते हो स्कूल कॉलेज में, वो पढ़ते हैं, वो पढ़ाई है। हाँ, और ये तुम जो पढ़ते हो है ऊंचते ऊंच संघ में, कौन सा ऊंचते ऊंच संघ? सुप्रीम सोल हेवनली गॉडफादर से ऊंचा तो कोई होता ही नहीं दुनिया में पार्ट बजाने वाला। हाँ, दूसरे धर्म वाले, दूसरे धर्म पिताए, उनके फॉलोअर्स समझते नहीं है कि वो ऊंच कैसे कहा गया दुनिया में, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कैसे है, अल्लाह मियां कैसे ऊंचा है, वो हेवनली गॉडफादर कैसे ऊंचा है, कैसे हेवनली गॉडफादर कहा जाता है, नारकीय गॉडफादर क्यों नहीं कहा जाता? नरक स्थापन करने वाले जो नर हैं, मनुष्य है, उनको कहेंगे नारकीय गॉडफादर है, और उसको कहेंगे हेवनली गॉडफादर। तो बिना इस सृष्टि पर साकार में आए उसने हेवन कैसे स्थापन किया? साकार में तो आना पड़े ना, लेकिन वो मानते नहीं है, जानते नहीं है, वो निराकार ही समझते हैं। तो कारण उसका यह है कि वो जिस तन में आता है मुकर्रर रथ में, उस रथ को भी आप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बना देते। जब वो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन जाता है, बन जाता है क्या, तब वो विदेशी लोग, विधर्मी लोग उसे पहचानते हैं, लेकिन तब तो वो निराकार हो गया कि पकड़ में आएगा है? वो तो गया हाथ से है, उनके उनके हाथ आएगा नहीं आता है। तो बताया तो उनके जो सत्संग हैं, उनकी जो कॉलेज स्कूल की पढ़ाई है, और ये जो एक सत्संग में तुम पढ़ते हैं, वो जाकर के बनारस में पढ़ते, पढ़ करके और फिर उनके मर्तबे ले आते हैं, सरस्वती जी महाराज
शंकराचार्य जी महाराज बड़े बड़े मठपंत मठाधीश पीठाधीश बन जाते। तो उनकी मर्तबे अलग, शायद और भी कोई जगह में होगी ऐसी, ऐसे नहीं है कि सिर्फ बनारस में ही जाते हैं पढ़ने के लिए वो संस्कृत की ऊंची पढ़ाई, नहीं। अरे इतना भारत बड़ा लंबा चौड़ा पड़ा हुआ है, कहां ना कहां ऐसी ऐसी कॉलेजें और दूसरी बहुत भाषाएं, तो हर एक मुल्क की अपनी अपनी भाषा है, अपनी अपनी किताबें पोथने हैं, अपने अपने ये शास्त्र वगैरह हैं, वहां पढ़ते होंगे। सभी नहीं बनारस कॉलेज में आकर के पढ़ने के लिए आते हैं, सभी आते हैं दुनिया में नहीं, नहीं, क्योंकि ऐसी कॉलेजें ढेर हैं, क्या दुनिया में जहां तहां हैं। ये जो एक नॉलेज है वो फिर यहां पढ़ने आती है, यही पढ़ने होती है, कहां बाप के सन्मुख आकर के जो पढ़ते हैं वो ही पढ़ाई पढ़ सकते हैं। और ऐसे नहीं बाप के सन्मुख आकर के पढ़ते हैं तो कोई टेम्पररी रथ में पढ़ते हो, नहीं, टेम्पररी रथ जो है वो तो प्रैक्टिकल में अम्मा का पार्ट बजाने वाले हैं, उनको कहते ही हैं चार मुखों वाला ब्रह्म। कोई पूर्व साइड की पढ़ाई पढ़ाता है, पूर्वी सभ्यता की, कोई एकदम देवता बनने की देवता ही पढ़ाई पढ़ाने वाला, कोई एकदम पश्चिमी सभ्यता की पढ़ाई पढ़ाने वाला, क्या एकदम पश्चिमी सभ्यता में जाकर के नीच ते नीच जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है, दूसरों को ठगने की चोरी की चकारी की पढ़ाई, वो पढ़ाई पढ़ाई जाती है। और एक है दक्षिणी भारत की पढ़ाई, दक्षिण भारत में असुर दिखाए जाते हैं, तो वो असुर तो इस्लामी है, उन्होंने इस्लाम धर्म जब शुरू किया तो दैत्य कहे गए, चीड़ फाड़ करने वाले, और उनके जो फॉलोअर्स हैं मुसलमान उन्होंने तो बहुत ही मारा मारी की, तो देखो कितने हिंसक बने। तो ये जो पढ़ाई है अहिंसक पढ़ाई, जो बाप आकर के पढ़ाते हैं देवताओं की पढ़ाई, ये फिर यहां ही आकर के पढ़नी आती है, पढ़ने के लिए आना होता है बस। और ये पढ़ाई तो इस एक टीचर के अलावा और कोई पढ़ा ही नहीं सकता। कौन सा एक टीचर है, नाम बताओ। एक ही सुप्रीम टीचर है। कौन सुप्रीम टीचर? अरे राम को लकुटिया लगी राम की, वो खुद ही पतित बन जाता है, है? राम वाली आत्मा पतित बनती है कि नहीं? हाँ पतित बनती है। राम कहो है, आदम कहो, एडम कहो, अर्जुन कहो, आदिनाथ कहो, आदिदेव कहो, हो नीचे गिरता है कि नहीं? नीचे गिरता है। अरे वो पढ़ाता है, बुद्धि में क्या रहना चाहिए? हमको पढ़ाने वाला कौन है? हमको पढ़ाने वाला वो है जिसे कि आत्मा को कोई भी इस दुनिया में पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। सुप्रीम गॉड फादर, हेवनली गॉड फादर, तो वो पढ़ाई तो कोई भी नहीं पढ़ा सकते सिवाय हेवनली गॉड फादर के, सुप्रीम फादर के, जिसका कोई फादर नहीं होता। अच्छा, ओम शांति।